वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में। वर्ल्ड ट्रैवल की शुरुआत फाइनली, और पहली हमारी कंट्री होने वाली है ऑब्वियसली थाईलैंड, जो ज़्यादातर इंडियंस की कंट्री होती है। तो मेरे को ये वीडियो इसलिए बनानी थी कि मैं चाहता था कि आपको मैं वो बता पाऊँ जो मेरे इस वक्त फ्रेश थॉट्स हैं थाईलैंड को लेके, और जो मुझे अभी काम करना पड़ा है। अगर मैं एक बार एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा ना, तो मेरे वर्ड्स बदल जाएंगे, क्योंकि मेरी थिंकिंग बदल जाएगी और वो सब होगी। लेकिन अभी मेरे दिमाग में फ्रेश क्या है, मतलब कि अगर आपको थाईलैंड जाना हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी बनाने का बस मकसद यही है। मुझे पता है कि जब मैं थाईलैंड पहुँच जाऊँगा तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेटली दे पाऊँगा, लेकिन अभी आपके दिमाग में क्या चलेगा। जो लोग थाईलैंड नहीं गए हैं उनके लिए ये वीडियो, बाकी लोग देखोगे तो बोलोगे ज्ञान पेल रहा है, सुन मत देखो। हाँ, तो फ्रेश आप जब थाईलैंड जाओगे तो आपका वीज़ा कैंसिल ना हो। वैसे आप 9 जुलाई 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीज़ा फ्री हो चुका है। इसीलिए हम जा रहे हैं अभी, तो वीज़ा फ्री हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर डिपोर्ट ना कर दिया जाए, इसके लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ टेक्निक्स है वो बताऊंगा, वो आप फॉलो कर लो, बहुत इजी है। पूरी वीडियो देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थाईलैंड अगर जाना है तो इंडिया में रह के आपको क्या क्या काम करना है, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या क्या काम करना है, थाईलैंड में पहुंचने के बाद कौन सी फॉर्मेलिटी करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेगा, कम पैसे किस में लगेंगे, होटल बुक करना है या हॉस्टल बुक करना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना है, वहाँ पर सब कुछ बताऊँगा। चलो शुरू करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि आपको इंडिया में रह के क्या क्या काम करना है। इंडिया में रह के आपको दो केस बनते हैं, एक तो है कि आप थाईलैंड जाओगे और 15 दिन, जो कि 15 दिन का वीज़ा फ्री होता है, और 15 दिन में वापस इंडिया आ जाओगे, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि 15 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आप वापस इंडिया नहीं आओगे और किसी और कंट्री में चले जाओगे, लाओस वियतनाम कंबोडिया मलेशिया भी है, तो जो मैं देखते हैं क्या करूँगा, मेरे को नहीं पता। तो ये दो केस हो सकते हैं, एक तो आप होम कंट्री में वापस आ रहे हो या किसी और कंट्री में जा रहे हो। तो अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आपको जो फ्लाइट टिकट बुक करानी है, ये पहला काम, सबसे पहला काम थाईलैंड अगर आपको जाना है तो आपको फ्लाइट टिकट बुक करानी है, और कुछ काम नहीं करना, सबसे पहले फ्लाइट बुक करानी है। और सस्ती वाली कैसे करानी है वो भी बताऊँ। तो सबसे पहले फ्लाइट टिकट बुक करानी है, वो सिंगल वे करानी है या टू वे करानी है, वो इसी पर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ से वापस होम कंट्री में आना है या नहीं। अगर आपको आना है वापस तो रिटर्न की भी आपको 15 दिन की करानी पड़ेगी, यानी कि 1 की अगर कराते हो थाईलैंड जाने की तो 16 की आपको वापस की करानी है, 16 या 15 या कम जो भी है, तो आपको वापस की करानी है, यानी कि 15 दिन का गैप रखना है उस फ्लाइट की टिकट बुकिंग में, तो ये बात ध्यान रखना। और रिटर्न में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और बार बार दो सिंगल वे मत करना कभी भी, और किसी भी वेबसाइट से टिकट ले सकते हो। वैसे मैंने एयर एशिया की ली है, तो मैंने पहले तो किसी एक वेबसाइट से थर्ड पार्टी से ले लिया, बाद में उसकी वेबसाइट पे जाके देखा तो 400 का फ़र्क था। और उसमें भी अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूँ कि जब भी आप प्लान करो थाईलैंड का, तो देख लेना कि कौन सी डेट में आपको सबसे सस्ती मिल रही है, मतलब कि आगे के 40-50 दिन में देख लेना, जो भी सस्ती मिल रही हो उस दिन की आप जाने की कराना, और आने की तो फिर वही 15 दिन बाई डिफ़ॉल्ट आपको वही करानी पड़ेगी, तो आप सबसे सस्ती वो देखना, और रिटर्न कराते हो तो ये देखना। बाकी अगर आप रिटर्न नहीं कराते हो, यानी कि वहाँ से दूसरी कंट्री में आपको घुसना है, तो आपको सिंगल वे यहाँ से करानी है, और वहाँ पे पहुँच के उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में आपको दिखानी है आपको रिटर्न की भी है, लेकिन करानी नहीं है क्योंकि आपको दूसरे देश में जाना है, तो करानी क्या है, डमी टिकट करानी है, रिटर्न की डमी टिकट होम कंट्री में वापस आने की डमी आपको करानी पड़ेगी, वो ट्रैवल एजेंट से किसी से भी हो जाएगा। मेरे को इंस्टाग्राम करोगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूंगा, तो आप वो कैसे करा सकते हो। तो आपको डमी रिटर्न टिकट बुक करानी है अगर आपको दूसरे देश में जाना है थाईलैंड से, तो अगर थाईलैंड से वापस इंडिया में आना है तो फिर तो कोई केस ही नहीं बनता, फिर तो आप जाओ और आने की भी बुक करा लो एक साथ ही, वही सबसे सस्ता है। तो सबसे पहला काम टिकट बुक करानी है, सबसे सस्ती डेट, जिस डेट में सबसे सस्ती मिल रही होगी वो डेट में बुक करानी है, और उसका प्रिंट आउट लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रिंट आउट लेना है। मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक तो यही मैंने फ़्लाइट की टिकट बुकिंग कराया, स्टे की बुकिंग आपके होटल या हॉस्टल जिसमें भी आप रहोगे, हॉस्टल बड़े सस्ते होते हैं वैसे थाईलैंड में, और क्राउड भी होता है, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब होटल में यार क्या ही करेगा, वो तो कमरा बंद कमरा होता है होटल, है ना, तो हॉस्टल
हॉस्टल में ज़्यादा वाइब होता है, इंटरनेट होता है, सारी फैसिलिटीज़ होती है और सस्ता होता है भाई बहुत। थाईलैंड में बड़े सस्ते सस्ते हॉस्टल हैं, तो वो बुक करना। तो दो दो हो गए अपने, फ्लाइट की टिकट बुकिंग हो गई, वो प्रिंट आउट लेना है और स्टे की प्रिंट आउट लेना है। स्टे में भी आप कैंसिल करा सकते हो, अगर आपको पे एट होटल वाला ऑप्शन ले लेना, आप होटल में पे करने वाला, तो कैंसिल वाली उसमें मतलब आपको डॉक्यूमेंट लेना है बस, एक बार बुक कर दिया, निकाला प्रिंट आउट और उसके बाद कैंसिल कर दो बस वो। तो फिर आपको ओरिजिनल जहाँ भी करना है वो सब फॉर्मेलिटी है, मतलब दो डॉक्यूमेंट आप समझ गए ना, तो दो डॉक्यूमेंट लेने ही। और फुल स्टे की मतलब 15 दिन की आपको बुकिंग दिखानी है, आप ये मत करना कि 3 दिन का होटल बुक कर दिया, 3 रात का, ऐसे नहीं। पूरा जितने भी जब तक आप थाईलैंड में हो वो बोलेंगे आपको डॉक्यूमेंट दिखाओ, कहाँ रहोगे आप, पटाया में रहोगे, फुकेट में रहोगे या बैंकॉक में रहोगे, कहाँ कहाँ रहोगे, तो सबकी आपको बुकिंग दिखानी है। या तो बोल देना भाई बैंकॉक से वापस आ जाएंगे, ये देख लो बैंकॉक के 15 दिन की बुकिंग है, और फिर बाद में कहीं पे भी घूमो वो कोई ट्रैक नहीं करता, नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा ही करते हैं लोग। तो डमी स्टे और डमी रिटर्न टिकट अगर आपको वापस नहीं आना है तो, ये लिख लो। और इंश्योरेंस अभी कंपलसरी, मैंने नहीं ऐसा नहीं सुना है। और वीज़ा, वीज़ा आपको वहाँ पे पहुँच के मिलेगा, उसे बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। उसका भी अब बस कोई फीस वगैरह नहीं है, फ्री कर दिया है, तो उसका आपको फॉर्म भरना है वीज़ा ऑन अराइवल का वहाँ पे इमिग्रेशन में जाके, जो भी है, तो वो बस इमिग्रेशन वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोविड की नेगेटिव वैक्सीन की डबल डोज की सर्टिफिकेट अभी चालू है, तो वो ले लेना। और बाकी थाईलैंड पूरा खुल चुका है भाई, और वीज़ा फ्री हो गया तो और ज़्यादा अपने लिए अच्छा है, और मेरे ख्याल से और कोई खर्चा है नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट में तो यही है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चौथी चीज़ बता रहा हूँ, लिख लो। 10,000 baht आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, रह रहे हो, तो वो बोलेंगे या पैसे दिखाओ, आपके पास पैसे भी हैं या भीख मांगने आए हो या मतलब रह तो नहीं जाओगे वहाँ पे, काम ढूंढने तो नहीं लग जाओगे, ये तो नहीं करने लग जाओगे, ये सब उनकी इनसिक्योरिटी है जो भी है। तो उसके लिए आपको पैसा दिखा के प्रूव करना पड़ेगा मेरे पास पैसा है, और वो कैसे करोगे, 10,000 baht यानी इंडियन रुपीज़ मतलब 30,000 से ज़्यादा आपको रुपये ले जाने पड़ेंगे, और उनको वहाँ पर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या फिर यहीं से ही जो भी एयरपोर्ट से आप फ्लाई करोगे तो वहीं से ही बुक पहले ही करा लेना, जैसे मेरी कोलकाता से है। अच्छा हाँ, ये एक बात बता देता हूँ, दिल्ली से फ़्लाइट मत करना, कोलकाता से करना, आधे में मिलेगी आपको वो। तो कोलकाता टू बैंकॉक ये सबसे ज़्यादा ईजी वाला है, और दिल्ली से करोगे तो डबल प्राइस लगेगा, ये भी याद रखना। तो कोलकाता से बुक करने, ये लिख लो। मैं कंपलसरी बात तभी बोलता हूँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना फिर मैं मे बी या देख लो ऐसा बोलता हूँ, पर इसमें देखना नहीं है, कोलकाता से ही करना है, तो ये लिख लो। तो ये है। और हाँ, 10,000 baht आपको प्रूफ करने पड़ेंगे, वहाँ पे कैश में दिखाना पड़ेगा। कार्ड वगैरह के बारे में मैं ज़्यादा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने भी नहीं वो करा है, कार्ड कौन सा चलता है, कैसे चलता है, क्योंकि बुकिंग आपकी ऑनलाइन ही हो जाएगी। मैंने गो आई बी वो से करी है जैसे, तो गो आई बी वो से ऑनलाइन बुकिंग हो गई, फ़्लाइट भी ऑनलाइन हो गई, तो अब खर्चा बचा ही क्या, बस थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का, बस वस का, वहाँ पर जो बस ट्रांसपोर्ट होगा, और खाने का फ्राइड राइस वहाँ पे स्ट्रीट फूड का वैसे काफ़ी ठीक है, सस्ता है, और हाँ खाना भी सस्ता ही है, और सब कुछ सस्ता है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं? हाँ मतलब ठीक है। सही खेल गया वैंचू। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग जो पहली बार जाएंगे मेरी तरह फ्लाइट में, तो बैग कैसे तैयार करने के इजी प्रोसेस हो वो सब, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। मैं भी प्लेन में अभी तक चढ़ा नहीं हूँ, मैं चढ़ूँगा उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ जितनी मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो आप दो बैग रखो, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दो बैग रखो, एक 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कि आपका लगेज में जाएगा, दो बड़े वाले उसमें जाएगा। एक छोटा बैग अपने साथ रखना, 7 kg से ज़्यादा नहीं उसमें होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी होंगे आपके, मेरे जैसे हार्ड डिस्क है, पावर बैंक है, या मोबाइल कैमरा, मोबाइल है, और ये मेरा कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सारे आपके छोटे वाले बैग में होंगे, यानी कि जो अपने साथ रखोगे आप, बड़े वाले में मत डालना, बहुत गलत बात हो जाएगी फिर वो, तो उसमें वो नहीं डालना है। कोई जलने वाली चीज़ या नुकीली चीज़ वो नहीं डालना है। बैग मतलब कपड़े वपड़े वही सब रखना बड़े वाले लगेज वाले बैग में। बाकी अब जो छोटा वाला बैग आया उसमें आप पानी की बोतल रखोगे, पानी की बोतल की भी ज़रूरत नहीं है, वो रखवा लेंगे क्योंकि आपसे चेकिंग में ही रख लेंगे, तो कोई महंगी बोतल लेके मत जाना कभी भी भाई उड़ने के लिए उसमें, तो वो रखवा लेते हैं, वो ट्रे आती है एक उसमें रखवा लेते हैं।
बेल्ट हो गया या ये सब हो गया, वो सब खुलवाया जाएगा आपका वहाँ पे, और चेकिंग करेंगे कि आपके साथ खाने पीने की वैसी वो मत रखना। हाँ, साबुन सोप और ये जो हाइजीन की जो चीज़ें होती है ना, वो 100 ml से ज़्यादा कोई भी चीज़ मत रखना। बहुत छोटे छोटे सैशे शैम्पू हो गया, फेस वॉश, ये सब जो है बहुत छोटा छोटा होना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट वो नहीं रखने देंगे, क्योंकि वो फिर कस्टम से आपको क्लियर कराना पड़ेगा, जो कि नहीं फंसना चाहोगे आप ऑब्वियसली। तो डोमेस्टिक यूज़ में जो होती है वो, मतलब पर्सनल यूज़ में, वो 100 ml से छोटी वाली होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी लिख लेना कि ज़्यादा सामान नहीं रखना है। तो वो दो बैग इस तरह से कैरी करने हैं, और इजी इजीली आपका फिर क्लियर हो जाएगा। फिर वहाँ पे पहुँच के, जब थाईलैंड में पहुँच जाओगे तो क्या करना है आपको, मान लो आप उतर गए वहाँ पे थाईलैंड में, अब उतरने के बाद आपको सबसे पहले जो वीज़ा और अराइवल का फॉर्म है वो वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, वीज़ा से रिलेटेड आपको कोई भी बात इंडिया में नहीं करनी है, वो वहाँ पे पहुँच के करनी है। वीज़ा और अराइवल एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरो उस पर। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, सारे प्रिंट आउट जो भी ज़रूरत है ना आपको, वो इंडिया से करा के ले जाना, वहाँ पे बहुत महंगा मिलेगा। और फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो भी आप इंडिया से करा के लेके जाना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। ये लिखने वाली बात है, तो जो जहाँ जहाँ महंगा पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखना, प्रिंट आउट और फ़ोटो प्रिंट आउट, वो अपने साथ इंडिया से ही लेके जाना, तो आपको ईजी पड़ेगा। फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो वहाँ पर आप भर सकते हो। कैश में जो करेंसी प्रूफ करनी है वो भी चेंज करा सकते हो, वो आप यहीं से इंडिया से ही करा के लेके जाना, वो भी इजी पड़ेगा फिर आपको। और अगर आपको वहाँ से किसी और कंट्री में जाना है, तो आपको US डॉलर कन्वर्ट करा के अपने पास रखने चाहिए, अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो US डॉलर भी कुछ कन्वर्ट करा लेना, ताकि दूसरी कंट्री में एंटर हो सको आप। और जितने भी थाई भात आपके पास बच जाएंगे, फिर उनको भी आप कन्वर्ट करा लेना US डॉलर में, और फिर दूसरी कंट्री में एंटर कर जाना, या फिर इंडिया वापस आना तो इंडिया वापस आ जाना। बस इतना ही प्रोसेस है। थाईलैंड बहुत इजी है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, कमेंट में बताना जो लोग गए हो, और अपने एक्सपीरियंस भी बताना, और मैंने कुछ गलत बताया तो वो भी बताना, तो वो भी कमेंट करके बताना। नीचे आ जाओ भाई, कमेंट बॉक्स में सारे मिल जाओ, जो भी है इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो। मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे को वो बतानी थी। आई होप मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको बताए, जो कि मेरे को नए पता चले, क्योंकि मैं कभी भी फ्लाई नहीं किया, डोमेस्टिक भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, पहली बार चढ़ने वाला हूँ मैं भी। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, वो भी अब पहुँच के ही होगी, सारी इन्फॉर्मेशन ज्ञान पे लेंगे पूरा पहुँच के। फिलहाल वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो क्या मैं बनाता रहूँ, वैसे बनाऊंगा या बोलो या ना बोलो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।